की खबर में सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में बारिश से हो रही तबाही की। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में अगले दो दिन बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव रहेगा। मौसम विभाग ने अशोकनगर, जबलपुर समेत 27 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में अब तक एवरेज 12.9 इंच पानी गिर चुका है। हम आपको मध्य प्रदेश के 8 जिलों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश का किस प्रकार से कहर देखने को मिला वो आप इस तस्वीरों से देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए, 8 तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर, बालाघाट, सिवनी, अमरपाटन, अशोकनगर और उसके साथ ही जबलपुर, नैनपुर, मंडला और सागर की तस्वीरें, जहां पर भारी बारिश की वजह से बारिश ने मध्य प्रदेश में किस प्रकार की तबाही मचाई है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अब तक आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में 12.9 इंच पानी गिर चुका है और लगातार इसका सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं। आपको ये भी बता दें कि नदियां उफान पर है, जिसके कारण कई प्रकार की घटनाएं भी देखने को मिल रही है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि जहां पर जलभराव है और उसके साथ ही नदी नाले उफान पर है, ऐसे में पुल और पुलिया पार ना करें, क्योंकि जान जोखिम में डालना भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बारिश का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही 8 तस्वीरें मध्य प्रदेश की बयां कर रही है। तो बारिश को लेकर मौसम विभाग का क्या कह रहा है, एक बार वो भी सुन लीजिए। मौसम विभाग ने छतरपुर और दमोह में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। 16 जिलों में अति भारी और 22 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ मौसम विज्ञानी प्रकाश धवले जी हैं, आइए उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, जो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, जिसमें आज छतरपुर और दमोह है जहां रेड अलर्ट जारी, जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटे में हमने जो भारी वर्षा की चेतावनी दी है वही रियलाइज हो गई है और मंडला जिले में जो है 272 मिलीमीटर का एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल दर्ज किया गया है। उसके साथ ही जो है पूर्वी मध्य प्रदेश के अनेक जिले जो है, जबलपुर, शहडोल, रीवा, संभाग के, वहाँ पे भी जो है मीन्स भारी वर्षा दर्ज की गई है। अब जैसे कि कल जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, अब वो जो लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर था, तो वो आज शिफ्ट होके साइक्लोनिक सर्कुलेशन में यानी चक्रवाती परिसंचरण में तब्दील हो गया है। वो झारखंड में उसका लोकेशन है। उसी के साथ ही अब अभी ये मानचित्र के ऊपर से देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बना है, आप इसको ये करिए, उसके बाद ये एक मानसून ट्रफ है, ये जो डॉटेड मीन्स लाइन है रेड कलर की, वो मानसून ट्रफ है। तो मानसून ट्रफ जो है राजस्थान से होते हुए खास करके मध्य प्रदेश के अपना ग्वालियर से निकलते हुए आगे खजुराहो और फिर आगे झारखंड के जो लो प्रेशर एरिया मीन्स साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वहाँ से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहा है। तो इस खास ये जो मानसून ट्रफ का पोजीशन की वजह से और इसके साथ एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है राजस्थान में है, एक यूपी में भी है और ये शियर जोन 22 डिग्री पे बना हुआ है, 22 डिग्री नॉर्थ पे। तो इन सब के चलते जो है, इन सभी सिनोप्टिक सिचुएशन के चलते, जो मध्य प्रदेश में आने वाले 24 घंटे में हमने जो पूर्वानुमान जारी किया है, 40 जिले ऐसे हैं पूरे प्रदेश में जहाँ पे जो है कहीं कहीं जो भारी वर्षा, कहीं कहीं अति भारी वर्षा और कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना जताई गई है। तो ये जो अलर्ट जारी किया है, खासकर जो उन जिलों में जारी किया है जहां पर अभी भारी, अति भारी और भारी बारिश का अलर्ट है, जो कि आप देखें अभी बुंदेलखंड के जो दो राज्य हैं, दो जो जिले हैं छतरपुर और दमोह में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कैमरामैन दिलीप विश्वकर्मा के साथ मयंक दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। तो देखिए, मौसम वैज्ञानिक को आपने सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के 40 जिलों में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि भारी बारिश यहां पर हो सकती है। अब चलिए, अब रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में संवाददाता दीपक द्विवेदी जुड़ चुके हैं राजधानी भोपाल से, उनका रुक कर लेते हैं। दीपक, अगर हम मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात कर ली जाए तो एक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। फिलहाल नर्मदा नदी की बात कर ली जाए तो यहां पर भी बाढ़ आई है और आप और हम बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि नर्मदा नदी के आसपास कई लोग बसे हुए हैं। अब उनकी क्या स्थिति है, वहां पर किस प्रकार से इंतजाम भी किए जा रहे हैं और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के तमाम जिलों का हाल? जी अनुपम, मैं बता दूं कि यदि मध्य प्रदेश में बारिश की बात करें तो इस बार जैसे ही मानसून एक्टिव हुआ उसके बाद से लगातार बारिश का दौर जारी है। भले से मानसून इस बार थोड़ा सा समय देरी से आया पर लगातार जो बारिश हो रही है और लगातार जो सिस्टम
ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के गुजरने के कारण लगातार बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल की बात कर ले या नर्मदा नदी जो राजधानी भोपाल से कुछ दूर पर सटे हुए नर्मदापुरम क्षेत्र में है, वहां की बात कर ले तो लगातार बाढ़ के आलम बने हुए हैं और हर बार जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं लोगों का जनजीवन प्रभावित होते हुए नजर आता है। कई लोग इसकी चपेट में आते, कई गाँव डूबते हुए नजर आते हैं जिसका असर देखने के लिए बारिश के कारण मिलता है। और लगातार जो बारिश का दौर है और कहते हैं कि सावन में जो बारिश की झड़ी लगती है वह भी अब मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है। इसीलिए अलग अलग 40 जिलों में, जैसा कि हमारे साथी ने उनसे बात की मौसम विभाग से, और उन्होंने बताया कि 40 जिलों में हमने अलर्ट जारी किया है और लगातार इसका असर भी पूरे प्रदेश भर में देखने के लिए मिल रहा है। पर कुछ क्षेत्र अभी ऐसा है जो बचा हुआ है। विंध्य क्षेत्र की बात करें तो वहां पर अभी जरूर बारिश ना होने के कारण लोगों को समस्याएं झेलना पड़ रही है, पर जहां पर बारिश हो रही है वहां पर अति बारिश होने के कारण भी लोग और जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जनजीवन तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात होगी दीपक कि आखिर इसी प्रकार का मंजर कब तक रहता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।